अब गुजरात बनेगा सैलानियों की पहली पसंद। नर्मदा में स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद अब सैलानियों के लिए रिवर राफ्टिंग की भी शुरुआत कर दी गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आने वाले पर्यटक अब रिवर राफ्टिंग का भी लुफ्त उठा सकेंगे। आपको बता दें, नर्मदा जिले में बनी ये रिवर राफ्टिंग सैलानियों के लिए गुजरात की पहली ऐसी जगह होगी जहां सैलानी रिवर राफ्टिंग का लुफ्त उठा सकेंगे। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। रिवर राफ्टिंग की शुरुआत 1 सितंबर से होगी। राज्य में हो रही इस नई शुरुआत पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी नर्मदा पहुंचे। आइए देखते हैं इस पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा। गुजरात माटे खूब आनंदी बात छे के गुजरात मां नर्मदा नदी मां रिवर राफ्टिंग पहली वक्त गुजरात मां आपणे चालू कर्युं छे। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास सैलानियों के लिए अब एडवेंचर यहां पे शुरू किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में के जो खलवानी का जंगल एरिया है, वहां से जो नर्मदा का पानी बहता है, वहां पे व्हाइट रिवर राफ्टिंग शुरू की गई। आप देख सकते हैं कि आज राज्य के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने इसकी शुरुआत की है। इसकी जो शुरुआत है वो टूरिस्टों के लिए 1 सितंबर से होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि गंगोत्री के एरिया में जो टूरिस्ट नदी के अंदर रिवर राफ्टिंग करते हैं, इस तरह का नज़ारा और इस तरह का एडवेंचर टूरिस्ट अब नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास कर पाएंगे। हमारे साथ यहाँ से आए कुछ लोग हैं, उनसे ही बात कर रहे हैं। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम महावीर नेगी सर। नेगी जी, आप कहाँ से आए और ये आप करते हैं, किस कितने समय से आप करते हैं? सर, मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से आया हूँ और यहाँ पे हम लोग इनोवेशन के लिए आए थे और मैं राफ्टिंग 14 ईयर से करता हूँ। यस। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप कितने साल से ऐसा राफ्टिंग करते हैं? सर, मैं 12 साल से कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं उत्तराखंड से हूँ और यहाँ पे ये जो रिवर राफ्टिंग होने जा रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम है। तो काफ़ी 3 ग्रेड के रैपिड है यहाँ पे और काफ़ी अच्छी ब्यूटीफुल रिवर है। गंगा में आपने किया, ये नर्मदा का पानी है, किस तरह का मतलब आपको फ़र्क यहाँ पे लग रहा है? गंगा का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा ज़्यादा है और ये थोड़ा नैरो रिवर है तो ये क्रिक रिवर में आई जाती है, तो काफ़ी अच्छी रिवर है। टूरिस्टों को किस तरह का यहाँ पे लगेगा? टूरिस्ट को काफ़ी एडवेंचर्स का काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस रैपिड हैं, कहीं पे ड्रॉप हैं, कहीं पे फॉल भी हैं। तो देखा कि आपने, यहाँ पे जो सैलानी आएंगे इनको यहाँ पे बहुत ही मज़ा आएगा और एडवेंचर भी यहाँ पे उनको होगा। नरेंद्र पेपर वाला, नर्मदा।